दोस्तों, दुनिया में कई अद्भुत जीव निवास करते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, जैसे तितली जो एक छोटी सी लार्वा से सुंदर पंखों बदल जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। और गहरे समुद्र में रहने वाली बायोल्यूमिनेसेंट मछलियां जो अपने शरीर की रोशनी से जगमगाती है। दोस्तों, ये सभी जीव प्रकृति की डाइवर्सिटी और अनोखापन दिखाते हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया कितनी रंग बिरंगी और रोमांचक है। और वीडियो में ऐसे ही लगभग 10 जीवों को शामिल किया जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ग्रीसॉन। दोस्तों, ग्रीसॉन एक छोटा और कार्निवरस जीव है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम गैलेक्टिस कुल्लो है। ग्रीसॉन का शरीर छोटा होता है जिसकी लंबाई लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। ये जीव जंगलों, घास के मैदानों और कभी कभी आवासीय इलाकों में रहते हैं। ग्रीसॉन के शरीर पर काले भूरे रंग के धाराओं के पैटर्न होते हैं। दोस्तों, ग्रीसॉन मुख्य रूप से कार्निवरस होते हैं और ये छोटे स्तनधारियों, पक्षियों के अंडे और कभी कभी छोटे जानवरों को भी खाते हैं। इनकी तेज गति और फ्लुएंट रनर के कारण ये अपना शिकार बड़ी ही आसानी से पकड़ लेते हैं। ग्रीसॉन रात के समय में एक्टिव होते हैं और दिन के समय में अधिकतर आराम करते हैं। ये रिक्लूसिव जानवर होते हैं और अपने आवासीय इलाके को खूबसूरती से रिजर्व रखते हैं। जाकाना। दोस्तों, जाकाना एक छोटा पक्षी है जो उदार और जल के नजदीक रहता है और इसका वैज्ञानिक नाम जाकाना ही है। ये पक्षी मुख्य रूप से उदार में पाया जाता है, जैसे कि नील और काले जल में। जाकाना का शरीर छोटा होता है जिसमें लंबे पांव और एक लंबी पतली गर्दन होता है। इसका खासियत ये है कि इसके पांवों की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, जो इसे कम पानी पर चलने में मदद करती हैं। दोस्तों, जाकाना मुख्य रूप से पानी के ऊपर चलता है और पानी में फूलों, पत्तियों और छोटे कीटों को खाते हैं। ये पक्षी अपने अनोखे पंखों की वजह से पानी में बहुत ही आसानी से चलते हैं और अपना शिकार पकड़ने में सक्षम होता है। जाकाना एक सोशल बर्ड है और इसका गुट अकेले या छोटे झंडों में रहता है। इनके अच्छे संगठन और सहयोगिता की वजह से ये पक्षी अपने परिवार को सेफ रखता है और खतरों से बचाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जंपिंग स्पाइडर। दोस्तों, जंपिंग स्पाइडर छोटे, प्यारे और चुस्त कीड़े होते हैं जो कि पूरे दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये मकड़ियां अपनी चाल में काफी चुस्त होती हैं और जमीन पर छलांग लगाते हैं। इनकी आंखें बड़ी, चमकदार और फिर उनकी पांवों के तलवों पर दिखाई देती हैं, जिससे ये अपने शिकार को ठीक से पकड़ सकें। जंपिंग स्पाइडर के शरीर की रंगत वेरियस होती है, जिसमें हरा, पीला, नीला और लाल जैसे कई रंग शामिल होते हैं। इनका शरीर छोटा होता है, लेकिन उनके पांव लंबे और ताकतवर होते हैं, जो उन्हें तेजी से चलने में मदद करते हैं। जंपिंग स्पाइडर मुख्य रूप से कीटों को खाती है, लेकिन ये मकड़ी को भी खाते हैं। इनके चाल काफी धीरे और सावधान होती है, जो उन्हें उनके शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। जंपिंग स्पाइडर का जीवन आम तौर पर कुछ ही महीनों तक होता है। इनकी प्रजनन प्रक्रिया भी अद्भुत होती है, जिसमें मादा अपने अंडे को एक झिल्ली में छिपाती है और उसकी देखभाल करती है, जब तक कि जंपिंग स्पाइडर के बच्चे पूरी तरह से तैयार न हो जाएं। जंपिंग स्पाइडर छोटे, चुस्त और उत्साही जीव होते हैं, जो अपने खास चाल और इंटेलिजेंस के कारण खास होते हैं। कागू बर्ड्स। दोस्तों, कागू पक्षी न्यू कैलिडोनिया, जो न्यूजीलैंड के पास एक आइलैंड है, जिसमें पाए जाते हैं। ये पक्षी कागू दी या आग फाटक के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम रोहानस है। कागू का शरीर लगभग 55 से 65 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसका वजन लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक हो सकता है। इनका रंग हल्का रेशमी सफेद होता है और इसकी बालों की झाड़ी भूरे रंग की होती है। दोस्तों, कागू पक्षी अपने आकार में अनोखे होते हैं और उनका चाल भी अनोखा होता है। इन्हें पानी में भी छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है, जो बेहद अनोखा होता है क्योंकि बहुत से पक्षी ऐसे नहीं कर सकते। कागू पक्षी मुख्य रूप से रात के समय में एक्टिव रहते हैं और दिन के समय में आराम करते हैं। ये अकेले या छोटे झंडों में रहते हैं और खास तौर पर खुश होते हैं जब ये अपने आप में होते हैं। दोस्तों, कागू पक्षी का आहार अलग अलग होता है, जिसमें कीट, लार्वे और कागू के खास फोर्टनाइटली खाना होता है। इनकी आवाज भी अनोखी होती है, जिसमें ये अपने आप को बखूबी शामिल करते हैं। कागू पक्षी अपने अट्रैक्टिव रूप, उनकी अलग अलग आवाज और खास बिहेवियर के कारण अनोखे होते हैं, जो इन्हें एक रोमांचक
और खास पक्षी बनाता है। किर्क्स डिक डिक। दोस्तों, किर्क का डिक डिक मुख्य रूप से अफ्रीका के पूर्वी भागों में पाया जाता है। ये एक छोटा जानवर है जो जंगलों और सवाना में रहता है और इसका वैज्ञानिक नाम मीलोचीरस किर्कीई है। डिक डिक का शरीर छोटा और बहुत ही लचीला होता है। इसकी लंबाई करीब करीब 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन तकरीबन 3 से 7 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, इसका नाम डिक डिक इसकी आवाज के कारण पड़ा है, जो एक हल्की लड़खड़ाहट की तरह सुनाई देती है। ये आवाज ज्यादातर समय उनके संगीन जोड़ों के बंद होने पर निकलती है। किर्क के डिक डिक मुख्य रूप से वेजिटेरियन होते हैं और ये घास, पत्तियां और अन्य पौधों को खाते हैं। इनका खास आहार उन्हें पानी के बिना रहने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये अपने आवासीय क्षेत्र में बहुत समय तक रह सकते हैं। दोस्तों, किर्क के डिक डिक प्रॉस्पेरस और लोनर होते हैं। ये अपने आवासीय इलाकों को रिजर्व रखते हैं और उसे अपने खासियत से चिन्हित करते हैं। ये शरारती और चुस्त जानवर हैं, जो अपने घर की रक्षा करते हैं और अन्य जानवरों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। क्लिप स्प्रिंगर। दोस्तों, क्लिप स्प्रिंगर एक छोटा और चुस्त जानवर है जो मुख्य रूप से अफ्रीका के दक्षिणी भागों में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम ओरियोत्रागस है। क्लिप स्प्रिंगर की लंबाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन लगभग 8 से 18 किलोग्राम तक होता है। इसका शरीर छोटा, मोटा और बड़ा होता है, जो इसे जंगली और पहाड़ी इलाकों में अच्छे से जीने की क्षमता प्रदान कराता है। मित्रों, क्लिप स्प्रिंगर के पांव बहुत ही छोटे होते हैं और इनके पास चटकाने की कैपेसिटी होती है, जो इसे पत्थरों के बीच निशान बनाने में मदद करती है। इसके लिए इन्हें उच्च और अट्टाहीन स्थानों पर अच्छे से बचकर चलना पड़ता है। क्लिप स्प्रिंगर घास, पत्तियां और अन्य पौधों को खाना पसंद करता है। ये जानवर अपने आवासीय इलाकों में अकेले या छोटे झुंडों में रहता है और अपने घरों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। क्लिप स्प्रिंगर के नर के पास बहुत ही खास गांध होती है, जो उनके आवासीय इलाकों के निशान के रूप में करती है। इनकी आवाज अपने समृद्ध आवासीय इलाकों में सुनाई देती है, जो अन्य क्लिप स्प्रिंगर को इसकी मौजूदगी के बारे में सूचित करती है। दोस्तों, क्लिप स्प्रिंगर का जीवन अफ्रीकी सवाना में अनोखे और खास रूप से यूजफुल लाइफस्टाइल के साथ बहुत रोमांचक होता है। टैस्मेनियन डेविल। दोस्तों, टैस्मेनियन डेविल को हिंदी में टैस्मेनियन डेविल कहा जाता है। ये एक प्राचीन और प्रचंड जानवर है, जो टैस्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में रहता है और इसका वैज्ञानिक नाम सार्काउस हारेसी है। टैस्मेनियन डेविल का शरीर मासूम होता है और इसका वजन करीब करीब 6 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। इनका शरीर काले रंग का होता है और इनके चेहरे पर चारों ओर एक छोटी होती है, जो इन्हें और भी डरावना बनाती है। दोस्तों, टैस्मेनियन डेविल अपने बलवान और अत्यधिक प्रचंड आवाज के लिए फेमस है। इनकी आवाज बेहद तेज होती है और इसे समुद्र तट से भी सुना जा सकता है। टैस्मेनियन डेविल मुख्य रूप से लगभग सभी जल और रोपणात्मक जानवरों को खाते हैं और इनका खाना वेरियस होता है, जिसमें कभी कभी मरे हुए जानवरों का भी सेवन शामिल होता है। दोस्तों, टैस्मेनियन डेविल अकेले या छोटे झुंड में रहते हैं और अपने आवासीय इलाकों को बचाने के लिए खुद को रिजर्व करते हैं। ये दुर्दम्य और बेहद चालाक जानवर हैं, जो अपने घर की रक्षा करते हैं और अपने शिकार को पकड़ने में सफल होते हैं। टैस्मेनियन डेविल अद्भुत और उत्साही जीव होते हैं। स्टोट। स्टोट एक छोटा और चुस्त जानवर है, जो बोटैनिकल और ग्रासी इलाकों में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मस्टेला एर्मिना है। स्टोट का शरीर लंबा और सैचुरेटेड होता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन लगभग 200 से 400 ग्राम तक होता है। दोस्तों, स्टोट के शरीर का रंग बदलता रहता है, लेकिन इसके गर्दन के चारों ओर एक सफेद धार ही रहती है, जो इसे खास बनाती है। इसके कान और आंखें छोटी होती हैं, जो इसे और भी चार्मिंग बनाती हैं। स्टोट मुख्य रूप से लगभग सभी प्रकार के छोटे जानवरों को खाते हैं। इसका खाना वेरियस होता है, जिसमें छोटे जानवर, पक्षियों के अंडे और कृषि उत्पादन भी शामिल होते हैं। दोस्तों, स्टोट अकेले या छोटे झुंड में रहते हैं और अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए खुद को रिजर्व करते हैं। इनके चाल बहुत ही तेज होती है, जो इन्हें उनके शिकार को पकड़ने में मदद करती है। स्टोट का जीवन बहुत ही अनोखा और रोमांचक होता है, जो इसे एक रोमांचक और एंथुजियास्टिक जानवर बनाता है। इसके प्राकृतिक रूप से लचीले शरीर और चुस्त आवाज के कारण ये एक प्रिय और रोमांचक जीव है। चिपमंक। दोस्तों, गिलहरियां छोटे
प्यारे और तेज तर्रार कुतरने वाले जानवर होते हैं जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम टैमियास है। गिलहरी की लगभग 25 प्रजातियां होती हैं और ये ज्यादातर जंगलों, बागानों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, गिलहरी का शरीर छोटा और फुर्तीला होता है। इनकी लंबाई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और इनका वजन लगभग 100 से 150 ग्राम तक होता है। इनकी पूंछ घनी और झबरी होती है जो इन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। गिलहरी के गाल के अंदर छोटे छोटे थैले होते हैं जिनमें ये खाने का सामान जमा करती है। ये खाने मुख्य रूप से बीज, नट्स, फल, कीड़े और छोटे पौधे खाती हैं। ये अपना भोजन जमा करके रखती हैं और सर्दियों के समय में इसका उपयोग करती हैं। दोस्तों, गिलहरी अपने बिल में ही रहती हैं जो जमीन के नीचे या पेड़ों में होते हैं। ये बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। गिलहरी के बच्चे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं और मादा गिलहरी उनका अच्छी तरह से ख्याल रखती है। गिलहरी छोटे, चंचल और मेहनती जीव होते हैं जो अपनी अनोखी आदतों और प्यारे बिहेवियर के कारण सबको पसंद आते हैं। काराकारा बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी शिकारी पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं और ये मुख्य रूप से अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम काराकारा क्रिस्टाटा है। ये पक्षी बाज और गरुड़ के रिश्तेदार होते हैं और इनका आकार मध्यम से थोड़ा बड़ा होता है। काराकारा पक्षियों की लंबाई लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है और इनके पंखों की फैलाव लगभग 120 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनकी चोंच मजबूत और नुकीली होती है जिससे ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। ये पक्षी सिर्फ मांसाहारी ही नहीं होते बल्कि ये फल, कीड़े और मरे हुए जानवर भी खाते हैं। दोस्तों, ये पक्षी खुले इलाकों में जैसे घास के मैदान, डेजर्ट और खेतों में पाए जाते हैं। ये अकेले या जोड़े में रहते हैं और कभी कभी छोटे झुंड में भी देखे जा सकते हैं। इनके उड़ान का तरीका बाज की तरह ऊंचाई पर नहीं होता बल्कि जमीन के करीब रहते हैं और तेजी से उड़ते हैं। मादा पक्षी पेड़ों पर या ऊंचाई वाली जगहों पर अपना घोंसला बनाती है और एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 1 महीना लगता है। दोस्तों, काराकारा पक्षी अपने आकर्षक दिखावट, वेरी डाइट और अनोखे व्यवहार के कारण खास होते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी जीव में से कौन सा जीव बेहद अमेजिंग लगा, कॉमेंट बॉक्स मौजूद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलेंगे एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।